हमीरपुर के सर्वहित सुधार सभा भवन में भाजपा द्वारा नागरिकता बुद्धिजीवी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भाजपा हमीरपुर जिला के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता कानून के बारे में वे घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें। हमीरपुर में भाजपा जिला द्वारा नागरिकता बुद्धिजीवी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में सभी नए मंडल अध्यक्षों को जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया और नए जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा को भी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने सम्मानित किया। प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भाजपा हमीरपुर जिला के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान नागरिकता कानून के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कहा। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि नागरिकता कानून अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया जा रहा है, न कि अल्पसंख्यकों की नागरिकता छीनने के लिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक लोग जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हो रहे हैं, उन्हें इस नागरिकता कानून के तहत भारत देश की नागरिकता दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान हमीरपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर, भोरंज विधायक कमलेश कुमारी, नादौन के पूर्व विधायक और एचआरटीसी के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर, प्रदेश सचिव विजय पाल सिंह सोहारू, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा सहित हमीरपुर जिला के पांचों मंडल अध्यक्ष व भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देकर सम्मानित करें। सम्मानित किया कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।